आप कुछ धारणाओं पर आ जाएं, क्रोध पर किस ने विजय प्राप्त कर ली है, कल भी मैंने पूछा था, फिर आप उठाओ, क्रोध पर किस की विजय हो गई है, थोड़ा बहुत बचा कोई बात नहीं, ज्यादा छूट गया वो हाथ उठाओ। अच्छा, जिसका ज्यादा बचा है वो हाथ उठाओ। ठीक है, विधि बताएंगे, अभी डरने की बात नहीं। जिसका आधा बचा है वो हाथ उठाओ, जो पूरा छोड़ना चाहते हैं वो हाथ उठाओ। ठीक है, अब लिखो, 21 दिन कर लेना, बहुत गुड रिजल्ट है, सवेरे करना ये भी। पहला संकल्प, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान, दूसरा मैं विजयी रतन, तीसरा मैं क्रोध मुक्त हूं, चौथा मेरा चित्त शांत हो गया है, मैं शांत स्वरूप हूं, मैं शांत हूं, मैं शांत हूं। ये चार संकल्प हैं, पांच पांच बार कर लेना, फिर से सुन लो, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, मैं विजय रतन हूं, मैं क्रोध मुक्त हूं, श्याम स्वरूप हूं। फिर इसका विस्तार कर देंगे, मेरा चित्त शांत हो गया है, मैं शांत हूं, मैं शांत हूं। शांति बढ़ेगी, क्रोध हटेगा। साथ में ध्यान ये देना है कि क्रोध हमारी आदत न बन जाए, बात बात में क्रोध आ जाए, इससे हमारी आंतरिक शक्तियां जल के नष्ट होने लगेंगी, हम बहुत कमजोर पड़ जाएंगे, खुशी भी नष्ट, एकाग्रता भी नष्ट, बीमारियां बढ़ेंगी, घर का माहौल बिगड़ेगा। इसलिए अपने पे ध्यान भी देना है, जो मैं चाहूं वही सब करें, इस संकल्प को यहीं छोड़ते हैं। ऐसा हो सकता है जो हम चाहें सब वही करें? बाबा भी सोचे तो वो भी कहेगा होगा नहीं। जो मैं चाहूं वही सब करें, कई माताएं तो पतियों पे विराज करती हैं, कौन कौन करती हैं मैं पूछूंगा नहीं, हाथ तो नहीं उठाएंगे। एक गांव की माता मेरे पास आई, समस्या क्या है, मेरा पति मेरी सुनता नहीं है। मैंने पूछा तुम्हारा पति क्या करता है, और लोग कहते हैं पढ़ाता है, कॉलेज है वहां, बड़ा बड़ा स्कूल है वहां पढ़ाता है। मैंने कहा प्रोफेसर है क्या, हाँ हाँ यही है, तो उससे कहना तो नहीं आता था, पर सुनती तो थी, यही है। मैंने कहा तुम कितनी पढ़ी लिखी, नहीं भाई हमारे जमाने में लड़कियों को पढ़ाते नहीं थे, मैं नहीं पढ़ी हूं, सोचो और हंस लो थोड़ा, बिना पढ़ी लिखी माँ अपने पढ़े लिखे पति पे राज करना चाहती है, भाई लोग नहीं हंसे, हंसे कईयों की समस्या होगी। एक व्यक्ति ऐसे ही बड़ा पावरफुल था, ऑफिस में जाता था, एक ने उसको मजाक किया, ऑफिस में तो शेर बनकर रहते हो, घर में जाके बिल्ली बन जाते, उसने भी जवाब दिया कि नहीं शेर तो मैं घर में भी हूं, पर दुर्गा की सवारी हो जाती है। ठीक है, फ्रेश हो गए, नींद तो नहीं आ रही किसी को, ठीक है। तो हमें ये संकल्प छोड़ देना है कि जो मैं चाहूं वही हो, ऐसा होगा नहीं, और उन चीजों को स्वीकार कर लेना है जिन्हें हम बदल नहीं सकते। देखो एक माता आई थी अभी मेरे पास, कान बोलते ही बेचारी का बच्चा थोड़ा ऐसा ही है, तो मैंने कहा बच्ची में बैठो, तो कहा ये बैठने नहीं देता है, थोड़ा ब्रेन से कमजोर,
लेकिन गुस्सा नहीं करता, मारपीट नहीं करता, लेकिन एक जगह रहता ही नहीं, मानसिक रूप से बचपन से ही गड़बड़ है। तो इस माता ने स्वीकार कर लिया है, यही बच्चा एक ही लड़का किसने स्वीकार कर लिया, यही है ना, मैंने उसको सिखा दिया था, बात की थी उसने, मैंने कैसे स्वीकार कर लो, खुश रहना सीखो, क्योंकि ये हिसाब किताब है जन्म जन्म का, ये लेने आया है, आपने इससे बहुत कर्ज लिया था, इसको सताया था, अब ये आ गया है, प्यार से दे दो तो तुम भी सुखी रहोगी, ये भी ठीक हो जाएगा, उसका बच्चा बहुत ठीक हो गया है ये बातें करने से, जो मैं सिखाई ना, एनर्जी देना, पानी चार्ज करके पिलाना, मैंने उसको ये भी सिखाया देश के नाम से पुण्य कर दो, भोग लगवाओ, ब्रह्मा भोजन खिलाओ। तो जिन बातों को हम बदल नहीं सकते उन्हें स्वीकार करके अपने को शांत करो, ये बहुत सुंदर बात है। अनेक बातें हैं जीवन में जिससे मनुष्य कभी कभी परेशान रहता है, सोच सोच के, मेरा रंग ऐसा है, कद छोटा है, मैं तो सिर्फ के बाल उड़ गए 30 साल की आयु में ही, सोचते हैं लोग, बहनों के उठ जाए तो बड़ी मुश्किल हो गया, आजकल उठ गए कई मस्त रहते हैं, हमारे यहाँ भी एक दो बहनों के बाल उड़ गए, कुछ नहीं मानती, मस्त उड़ गए तो उड़ गए, हमें भी उड़ना है ऊपर, क्या सोचना है। इसलिए जिन बातों को हम बदल नहीं सकते, जिन पर हमारा अधिकार नहीं है, उन्हें स्वीकार कर लें, खुश रहें, जितने खुश रहेंगे बाल भी नहीं उड़ेंगे, पक्का मानूंगा। बहनों को बड़ी चिंता होती है, उड़ेंगे ही नहीं, जहां खुशी है वहां लक्ष्मी का वास होता है, जहां खुशी नहीं है लड़ाई झगड़ा है, लक्ष्मी निकल जाती है, ये मेरा स्थान नहीं है।